तो व्यूअर्स, अलापा की शान देखे, मैं नमाज पढ़ रही थी और असद भी कमरे में था। सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहां भी होंगे ठीक होंगे, अल्लाह पाक के अमान में होंगे। मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूं। और आज पता नहीं क्यों मच्छरों ने बड़ा हमें जलील किया हुआ है। 2-3 दिन से इतने मच्छर, मैं आपको क्या बताऊं, इतने मच्छर हैं ना, उन पे कोई मेट काम कर रही है ना कुछ। तो अभी हम चलते हैं किचन में और ये देखें सिकंदर काम कर रहा है कोई। सुनो अभी देखो, बस नो अभी इधर में बड़ा वाला इधर मच्छर है, इसको मैंने मार दिया, वो भाग गया, मार गया। देखे मच्छरों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। अगर आपके पास मच्छरों का कोई हल है तो हमें बताएं। पता नहीं किसने भेजी है बिरयानी है सबके लिए। तो अभी हम क्या बनाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। असद के लिए चाय भी बनाती हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। तो व्यूअर्स, अलापा की शान देखे, मैं नमाज पढ़ रही थी और असद भी कमरे में था। पता नहीं कौन सा हमारा पड़ोसी आया और उसने बिरयानी की प्लेट यहाँ रख दी। तो जैसे ही मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैं किचन में आई तो मुझे लगा कि शायद सिकंदर ने किसी से लेके रखा होगा, मगर सिकंदर कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता है। इधर आओ। तो अभी जिसने भी दिए अल्लाह पाक को उसको अपने अमान में। ये क्या कर रहे हो अभी? इफ्तारी का? अभी हमने इफ्तारी कर ली। क्या किया है? दोपहर में तुरई की सब्जी बनाई थी। हाँ। ये वो है रोटी और ये पता नहीं कौन अननोन जो देके गए बिरयानी वो भी खाइए। और ये स्ट्रॉबेरी भी खा रहे हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरी कितनी खूबसूरत है। कौन सा? ये वाले चावल थे? हाँ ये चावल है। ये असद ने टैंक बना के रखी है, पिएगा पता नहीं कब। असद, असद का आज रोजा था। इधर देख, रोजा खाते रखते हो तो पता नहीं कौन देके गया बिरयानी में, हैरान हूँ यार। हाँ जिसने भी दिए मैं उसको दिल से दुआ, एक सरप्राइज थी। जैसे मैं ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉग बनाते बनाते किचन में आ गई तो मेरी नजर प्लेट पे पड़ी। मैंने कहा ये क्या सिकंदर ने ढक के रखा है, फिर देखा प्लेट्स तो हमारी है नहीं, फिर देखा कि बिरयानी। वो मैं इतनी खुश हो गई। बस ये देखें ये सब्जी की रेंक यहाँ पड़ी रहती है। जाहिर सी बात है अब ये तो कमरे में नहीं ले जा सकती ना। ये देखें यहाँ 2 किलो आलू थे, मैंने कल 2 किलो आलू लेके रखे थे। ये आलू देख रहे हैं, इसको भी खाया है। ये साइडों में छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, इसको भी खाया है। एक यहाँ आलू इसका गिर गया है, इसको भी खाया है। फिर 2 किलो आलू इस रास्ते से ले गया है, ये ले गया है। फिर वो गीजर के नीचे वो देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो देखें ये सारे आलू ले गया है, वहाँ बैठ के खाए हैं। आज हमारी बाजी ने कपड़े धोए हैं, अल्लाह माफ करे। ये मशीन लगाई है इसने और यहाँ इनका पानी निकल रहा है। ये रही बाजी। बाजी जब से आप मेरे पास काम पे आई हो बस यही एक जोड़ा पहनती हो, क्यों? कपड़े नहीं है, मैं खुदी ये पहनती, मेरे को सही है। आपके पास कपड़े नहीं है, एक ही जोड़ा है? नहीं, एक ही जोड़ा बस। फिर कैसे गुजारा होता है एक जोड़े में? बस दो जोड़े घर रखा गए, वो कभी ये पाया उधर काम पे जाती हूँ, ये पहन के डाल देती हूँ मशीन में, वो फटा हुआ वो पहन लेती हूँ, फिर ये पहन के घर आ जाती हूँ। सही, ये वजह है। हाँ। अभी ये कपड़े बाजी ने धो दिए, ये भी, और ये धुल रहे हैं। बाजी वो मेरा चोला दिखाओ, क्या बता, YouTube पे कोई हमें बता दे वो जो जिसका दाग नहीं निकल रहा।
क्या पता कोई हो जो हमें बताए इसका हल। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा लोन का ड्रेस है, मगर पता नहीं इधर नीचे रखे ना भाजी, इस पे देखे ना चाय के ये निशान गिर गए हैं, हमसे उतर नहीं रहे। और ये अगर मैं ब्लीच इस पे मारूंगी तो इसका कलर उड़ जाएगा, सोडा डाला है हर चीज़ से। ये देख रहे हैं ये निशान, ये चाय पता नहीं क्या गिर गया है, पता ही नहीं चला। न्यू मेरी ड्रेस थी, मोकारा हो गया। अभी आपको पता है कि दाग कैसे जाते हैं ये रंगीन कपड़ों पे, तो बताइएगा कमेंट में। कहने प्यार से जो भी दे दिया उसको सोना समझ के पता नहीं क्या कर दिया। ये आजकल बड़ा ही वायरल है सॉन्ग। और मुझे हाथ देखें, हाथ, मेरी तबीयत सही नहीं, वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इन छोटे छोटे हाथों पे मेहंदी लगाऊं। देखती हूँ अगर टाइम मिला तो अनमोल के पास जाऊंगी सर्विस लेने। धोबड़े पे तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रही, ना ब्लीच ना क्रीम वगैरह, क्योंकि वो जो नर्व डैमेज का मसला है वो अभी हल नहीं हुआ। बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये पींगा देखें, पींगा आज हो रही है सफाई। और यहाँ पे मैं झूले खाती हूँ और इस तकिया का कवर भाजी धो रही है। और ये असद ने जिद करके उस दिन कहा कि मुझे काले कलर के कपड़े लेके दे, मैं टशन मारूंगा। तो ये टुकड़ा मैंने उसको लेके दिया कट पीस का, तो ये बकिया बच गया है। इससे मैं बनवा रही हूँ ट्राउज़र और शर्ट, ब्लैक। अभी ये देखें, मेरे मेकअप के दराज का सत्यानाश कर दिया है असद ने और सिकंदर ने। ये मेरे मेकअप के खाने में पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं। ये सारी मेरी आई शेडो प्लेट्स, मेकअप, साबुन, क्रीम, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये क्या है? अच्छा, ये साबुन का खोखा है। ये सारे मोकारे कर दिए हैं, अब मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा इस सबको। और ये पार्सल आया है लेडीज शॉप पीके की तरफ से, इसकी भी मैं ओपनिंग करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और इन लोगों ने मुझे क्रीम भेजी है, ज़ाफ़रानी क्रीम, वाइटनिंग ज़ाफ़रान, तो उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल इसको मैं अनबॉक्स नहीं कर रही, आपको दिखा रही हूँ। ये पीआर आया है लेडीज़ शॉप पीके की तरफ से। कराची में गर्मी आ गई है, पंखा देखो कैसे चल रहा है, कितना खूबसूरत मंज़र है इस पंखे का। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।